नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। धार में आज ईद उल अजहा का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आज मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। शहर काजी वकार सादिक ने देश के अमन चैन और शांति के लिए दुआ की, भाईचारे का संदेश दिया। मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मुस्लिम समाज को जिलेवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। बिल्कुल, त्याग और बलिदान का पर्व है ईद उल अजहा। इसको बिल्कुल सादगी के साथ मनाया गया। शहर के तमाम लोगों ने आके एक ही जगह नमाज़ पढ़ी और खुतबा हुआ और बताया गया कि ईद का मकसद क्या है। अपना सब कुछ अल्लाह की राह में समर्पण करना ही असली ईद है। बकरा तो जो जानवर कुर्बानी करते हैं तो वो तो नाम मात्र का है। ईद का मकसद ये है कि अपना सब कुछ अल्लाह की राह में समर्पण करना है। इसी के साथ दुआएं की गईं, मुल्क में, शहर में अमन अमान की दुआएं की गईं, अच्छी बारिश के लिए दुआएं की गईं। और दिली रूप से तो हमेशा यही है कि दुआएं तो रहती ही हैं, और दिली रूप से भी रहता है कि हम लोग रहें या ना रहें, हमारा देश तरक्की करता रहे, हमारा देश फलता फूलता रहे, हमारे शहर में अमन अमान रहे, गंगा यमुनी तहजीब हमेशा बरकरार रहे। और आप सभी लोगों की मेहनत रही, आप लोग मौजूद रहे, आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू। अच्छा लगा, पानी भी नहीं गिरा, अदरवाइज पानी का पोर्ट।